हेलो फ्रेंड्स, आज हम अंडे से झटपट बनने वाली एक डिश बनाएंगे। बहुत ही अमेजिंग एंड हेल्दी रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इडली की प्लेट ली है। इसे हम सबसे पहले तेल लगा कर लेंगे। सभी तरफ से अच्छे से तेल लगा कर लेना है। इस प्लेट में अब हम अंडे डालेंगे। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी अंडा बड़ा होने की वजह से ओवरफ्लो कर सकता है, इसलिए हम अंडे को इस तरह से बाउल में निकाल कर प्लेट में डालेंगे। अंडों को बाउल में निकालने की वजह से हमें जितना चाहिए उतना ही हम प्लेट में निकाल के ले सकते हैं, तभी वो मिश्रण बाहर भी नहीं आएगा। और इस तरह से मैंने सभी अंडों को डाल लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल कर लेंगे। आप चाहे तो और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे इडली के बर्तन में रखेंगे। और इसे हम 10 मिनट तक लो टू मीडियम हीट पर पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, मतलब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके ऊपर से ढककर निकाल लिया है। हमारे अंडे अंदर तक अच्छी तरह से पक चुके हैं। अगर हमारा एग योक यानी कि जो येलो पार्ट है वो अच्छे से नहीं पका तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसे पूरा पकाना है। अब हम प्लेट को ठंडा होने देंगे। हमारा प्लेट ठंडा हो चुका है। इसे अब हम चम्मच से इस तरह से निकाल कर लेंगे। पहले इसके एजेस को लूज़ कर लेते हैं और फिर इसे निकालना है। ठंडा होने के बाद ही अच्छे से निकलेगा। अब हमने इसे प्लेट में निकाला है। आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग लग रहे हैं। चाहे तो सिर्फ वाइट पोर्शन का ही यूज़ कर सकते हैं या फिर येलो पोर्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। नमक डालेंगे और मसाले, मतलब लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, जीरा पाउडर, आप जो भी मसाले ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। आपको ये आसान और हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं ऐसे ही न्यू ट्रेंडिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।